बांका के रजौन स्थित सघारा गांव के लाल सुधांशु कुमार उर्फ राहुल का तिरंगे में लिपटा शव गांव में पहुंचते ही ग्रामीणों के बीच मातम पसर गया। जबकि अपने लाल को खोने से गम में डूबे लोग एक दूसरे का ढांढस भी बढ़ाते दिखे। इस दौरान अधिकारी और सीआरपीएफ के जवानों तक की आंखें नम थी। वहीं चित्कार के साथ हजारों की भीड़ में शहीद सुधांशु अमर रहे और भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे और सभी लोग आंसुओं के बीच अपने लाल पर गर्व करते दिखे। एक तरफ जहां लोगों में अपने वीर सपूत को खोने का गम था, तो दूसरी ओर देशभक्ति की भावना लोगों को गर्व का एहसास करा रही थी। इधर शहीद के पार्थिव शरीर की एक झलक पाने के लिए लोग दोपहर से ही सकहारा गांव पहुंचने लगे थे और शाम होने तक वहां हजारों लोगों की भीड़ जुट चुकी थी, जहां हाथों में तिरंगा लिए लोग देशभक्ति के नारे लगा रहे थे। बता दें कि रसौन प्रखंड सकहारा गांव के रहने वाले राजेश कुमार चौधरी के 22 वर्षीय पुत्र सुधांशु कुमार उर्फ राहुल बीते 21 अगस्त को बॉयलर फटने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन काफी प्रयास के बाद भी सुधांशु कुमार को बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान 30 अगस्त की रात वो जिंदगी और मौत की जंग हार गए। रोहतास के करगहर के पूर्व प्रमुख सह पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र सिंह यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि विजेंद्र सिंह यादव सुबह के वक्त खेत पर सोहनी करवाने के लिए नीम ढेरा गांव के समीप नदी पर गए हुए थे, तभी वहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं इसकी जानकारी गांव में फैलते ही इलाके में सनसनी मच गई और मौके पर काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। हालांकि वारदात की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया। शिक्षक दिवस को लेकर भागलपुर के सराय स्थित महादेव सिंह कॉलेज में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान एवं अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि भागलपुर के सहायक निदेशक नियोजन भरत राम एवं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनय कुमार सिंह समेत कई बुद्धिजीवियों और पदाधिकारियों ने सबों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी और इसके महत्व पर भी अपने विचार रखे। वहीं इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक और केवाईपी संचालक विजय एवं चंदना चौधरी ने अतिथियों का स्वागत शाल एवं पौधा देकर किया। समारोह में शिक्षक दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला गया, जबकि माता पिता के साथ शिक्षक रूपी गुरु के सम्मान में कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे युवा शिक्षा के साथ कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ लेकर जीवन में बेहतर मुकाम प्राप्त कर सकेंगे। मुख्य अतिथि भरत राम ने कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति को पहचान और आत्मसात करने के लिए शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जबकि सिविल सर्विसेज समेत सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को बिहार आईएएस संस्था की ओर से प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देने की बात भी भरत राम ने कही। कार्यक्रम में 30 शिक्षकों को आभार पत्र एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया, जबकि सम्मानित अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। लखीसराय के भाजपा विधायक सह बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का लखीसराय पहुंचने पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मोटरसाइकिल रैली निकालकर बढ़िया और लखीसराय में रोड शो भी किया गया। बताया जा रहा है कि लखीसराय के विधायक विजय कुमार सिन्हा नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर अपने क्षेत्र पहुंचे, जहां मोकामा के पास बढ़िया माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर में उन्होंने माथा टेका और पूजा अर्चना की, जबकि बढ़िया बॉर्डर पर भी लोगों ने माला पहनाकर ढोल नगाड़े के बीच नेता प्रतिपक्ष का स्वागत किया। वहीं इसके बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि बिहार में छल कपट और अराजकता का वातावरण बनाकर जो किया गया है वह बात किसी से छिपी नहीं है, जबकि हाल ही में राजद और कांग्रेस की मदद से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने वाली जदयू यह दावा कर रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा महज 50 सीट पर सिमट कर रह जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी को लेकर पार्टी के निर्देश पर भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के द्वारा संगठन की मजबूती के लिए अलग जिले में तैयारी तेज कर दी गई है। पलटू राम के कुशासन से मुक्ति और अराजकता से मुक्ति के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनेगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुमत के साथ
सर क्या कहेंगे? कांग्रेस अपना अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही है और आज मोकामा थाना क्षेत्र के इंदिरा टोला इलाके में जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने अपने ही चाचा का गला रेतकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद जख्मी को आनन फानन में इलाज के लिए मोकामा रेफर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मोकामा नगर परिषद क्षेत्र वार्ड संख्या 5 इंदिरा टोला निवासी रमेश मांझी घर से बाहर शौच के लिए निकले थे, तभी उसका भतीजा शंकर मांझी पीछे से आया और तेज धार हथियार से उसका गला रेत दिया, लेकिन किसी तरह से रमेश मांझी घायल अवस्था में वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। वहीं जब मामले की जानकारी आसपास के लोगों को मिली तो उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मोकामा पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी। हम झाड़ा फिर जा रहे थे सर, साइकिल पर चढ़ा था, अब पछुआरे हसुआ चला दिया। कौन चला दिया? भतीजा शंकर मांझी। काहे के लिए लड़ाई हुआ? जमीन के खातिर। चहक प्रशिक्षण के जिला मास्टर ट्रेनर सह मुख्य प्रशिक्षक अर्जुन केस्टी ने सनहोला प्रखंड अंतर्गत तीनों केंद्रों पर चल रहे चहक प्रशिक्षण का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने उच्च विद्यालय ताड़र, गर्ल्स इंटर स्कूल ताड़र और उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पाठक डी पहुंचकर चहक प्रशिक्षण का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। मुख्य प्रशिक्षक अर्जुन केस्टी ने तीनों स्कूल के प्रशिक्षक और मेंटर से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने की बात करते हुए कहा कि यह योजना शिक्षा के स्तर में बेहतर सुधार लाएगी, जिसका लाभ छात्र छात्राओं को मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने अवलोकन एवं अनुश्रवण के क्रम में तीनों प्रशिक्षण केंद्रों पर पहुंचकर प्रशिक्षुओं को कई रोचक गतिविधि की जानकारी दी। वहीं ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा विद्यालय में बच्चों को विभिन्न गतिविधि की जानकारी देते हुए बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए शारीरिक विकास के साथ भाषा, बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान और पर्यावरण जागरूकता को लेकर विशेष जोर दिया गया।